अनादि काल से इस जीव बंधन में पड़ता चला आ रहा है। बंधन अनादि का है, अनादि का बंधन छूट सकता है, कैसे छूट सकता है, जैसे किसी गुफा में अनादि काल से अंधकार हुआ और वहां पर यदि दीपक जला दिया जाए या लाइट लगा दी जाए तो वो अंधकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंधकार कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश तो वस्तु होता है, अंधकार वस्तु नहीं होता है। इसलिए वो अंधकार जो है खत्म हो सकता है, आदि काल का भी अंधकार खत्म हो सकता है दीपक जलने से। इसी प्रकार से हम अनादि काल से हमारे अंदर अज्ञान अंधकार है, तो अज्ञान अंधकार से जो है ये जीव बना हुआ चला आ रहा है। ज्ञान बोध विचार का दीपक जलाने से अज्ञान खत्म हो सकता है। इसलिए जो है अज्ञान अंधकार को खत्म करने के लिए हमको ज्ञान बोध विचार की आवश्यकता है, और ज्ञान बोध विचार सत्संग से प्राप्त होता है। संसार में इसी प्रकार से ये धारा हमें चली आ रही है, जैसे किसी भी चीज के बीज लीजिए, बीजों को भून दिया जाए तो फिर बीज नहीं उगेंगे, जैसे बीज डाल दो बीज उगेंगे, तो यदि उसको अग्नि पर भून दिया जाए तो उनका अंकुर अंदर से जल जा करके वो बीज फिर नहीं उगता है। इसी प्रकार से वासना बीज सभी जीवों में है, वासना बीज जब सुरक्षित है, जब तक उगता रहेगा यानी जन्मता मरता रहेगा, वासना बीज दग्ध हो जाने पर, वासना बीज खत्म हो जाने पर, भून जाने पर ये जीव का आवागमन चला जाता है, इन जीव का कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार से संसार अनादिकाल से धारा चली आ रही है, अनादिकाल का जो बंधन है ये छूट सकता है। बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप प्रवाह अनादि होता है, एक अनादि प्रवाह संबंध होता है। अनादि प्रवाह संबंध तो छूट सकता है, पर स्वरूप प्रवाह अनादि बंधन नहीं छूटता है। जैसे स्वरूप प्रवाह अनादि है, जैसे जीव का स्वरूप गुण गुणी का संबंध जो होता है ये नहीं छूटता है, गुण गुणी से भिन्न नहीं रह सकता है, ये जो है नहीं छूटता है। अनादि प्रवाह संबंध है जैसे बीज और वृक्ष का संबंध, बीज वृक्ष का संबंध अनादि से है, पर ये अनादि प्रवाह संबंध छूट जाता है। बीज को भूंज दिया जाएगा तो फिर बीज से वृक्ष नहीं होगा। और स्वरूप प्रवाह बंधन है जीव और जीव का ज्ञान स्वरूप, तो जीव का जो ज्ञान स्वरूप है ये जीव से कभी अलग नहीं हो सकता है, ये स्वरूप प्रवाह अनादि संबंध है। इसी प्रकार से स्वरूप प्रवाह जो संबंध है स्वरूप प्रवाह अनादि वह नहीं छूटता है, अनादि प्रवाह संबंध जो है छूट जाता है। तो जो जीव का जो अनादि से जन्मता मरता चला रहा है, जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है फिर मृत्यु होती है, ये बंधन अनादि से है, पर ज्ञान बोध विचार होने से इसके वासना बीज खत्म हो जाने से ये बंधन उसका छूट सकता है। और चेतन जीव का जो ज्ञान गुण है ये कभी खत्म नहीं हुआ, ये उसके अंदर रहेगा, मुक्त हो जाने पर भी ज्ञान गुण उसके पास रहता है। ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के ज्ञान है। एक तो जो है कि उसके
उसका ही जो ज्ञान है स्वरूप ज्ञान, तो ये ज्ञान प्रवाह ये नहीं छूटेगा उसका स्वरूप ज्ञान, स्वरूप ज्ञान उसके अंदर हर हमेशा रहता है। इसलिए जो हमको चाहिए कि हम अपने आप का उद्बोधन करें, अपने आप को जाने, अपने आप को समझने के लिए हमको उस संगत की आवश्यकता होती है जिस संगत में अपने आप का बोध होता हो, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग तीर्थ है, तीर्थ कहते हैं जिसमें व्यक्ति तार दिया जाता है और जिसमें व्यक्ति का चरण होता है उसी का नाम तीर्थ है। तो वह तीर्थ है सत्संग। सत्संग रूपी तीर्थ के अंदर ही व्यक्ति का जीवन कल्याण या संसार समुद्र से तर सकता है। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है, सत्संग हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो कहते हैं कि एक दफे की बात है कि एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा कि भाई क्यों आए हो? तो कहा कि गुरुदेव मैं आपका ज्ञान बोध विचार पाने के लिए आया हूं। तो गुरु ने कहा कि ज्ञान बोध विचार के तो तुम ग्राहक नहीं मालूम पड़ते, तुम तो मेरे पास कोई वस्तु है उसको लेने के लिए आए हो, ज्ञान बोध विचार के ग्राहक तुम नहीं हो। तो गुरु जी के पास में एक सोने का डमरू था, वो व्यक्ति जो है चोर था। तो उसने कहा, तो गुरु जी ने समझ लिया कि इस डमरू को ले जाए कि नहीं, गुरुदेव आपके ज्ञान बोध विचार के लिए आया हूं। तो कहा ठीक है। तो गुरु जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया, अपने पास रखा, अपना जैसा भेष बना दिया। उस भेष में झोली भी होती थी, झोली भी दी गई उसको। अब जाकर के वो गुरु जी जो है उनके पास डमरू था सोने का, तो डमरू को बजाते थे और शिष्य जो है उस डमरू का लिए ही लालायित था। तो गुरु जी जो है बताते नहीं थे डमरू को आ रखते थे, तो गुरु जी दिन में डमरू बजाते रहते थे और रात में सोते थे तो वो उनकी झोली टटोलता था, झोली में डमरू नहीं मिलता था। तो गुरुजी ने कहा बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने हो गए। तो शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव रात में सोते समय डमरू को कहाँ रखते हैं? गुरुजी ने कहा कि बेटा ये चीज बता तो दूंगा मैं, पर फिर आज ही तेरे को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, आज ही तेरे को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मेरे को छोड़ करके। तो कहा कि गुरुदेव कोई बात नहीं, चला जाऊंगा, पर ये बता दीजिए कि रात के टाइम डमरू को कहाँ रख देते हैं। तो गुरु जी ने बताया कि रात के टाइम में डमरू मैं तेरी झोली में रख देता हूँ और तू दौड़ता है मेरी झोली में, तो इसलिए तेरे को डमरू नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है ये ज्ञान बोध विचार हमारी झोली में है, इसको हम जो भूल जाते हैं। तो गुरु जी कहते ये आप क्यों करते थे? यदि मैं इसको मैं अपनी झोली में रखता था तो तू मेरी झोली को खटोलता था, तू अपनी झोली नहीं देखता था, इसलिए मैं ये बात को समझता था कि तू चोर है और डमरू को ले जाएगा, इसलिए मैं तेरी ही झोली में रख देता था। तो डमरू तेरी झोली में, तू देखता मेरी झोली को था, इसलिए तेरे को डमरू नहीं मिलता था। कि बस तू कहीं खोजे कहीं क्यों करा रहे आज, सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे साथ। इसी प्रकार से जो पारख रखता है तो वह सज्जन ही सराहनीय है। वस्तु वस्तु तेरी झोली में रखी हुई है, तू दूसरे की झोली में खरीदता है, वो देखता है दूसरी झोली में, तो इसी प्रकार से तेरे को तेरी वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से तू चेतन ज्ञान स्वरूप है, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जानकार है सब चीज का, परखने वाला है, पर तू अपने आप को नहीं जानता, दूसरे को जानने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से तेरा चेतन स्वरूप तेरे को प्राप्त नहीं हो पाता। दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग, एक तालाब में एक व्यक्ति गया तालाब के पास में और तालाब में उसको जो है एक मणि दिखाई दी,
मणि दिखाई दी, तो मणि को जो है खोजने के लिए, मणि को लेने के लिए वो ताला में डुबकी लगाता था, और ताला में डुबकी लगाते लगाते पूरा दिन हो गया, उसको ताला में वो मणि नहीं मिली। शाम को जो है शाम होने पर आ गई, एक महात्मा आई, महात्मा ने कहा बस तू कहीं खोजे कहीं क्यों करा गए हाथ, सज्जन सोई सराई जो पारख राखे साथ। उसने कहा कि गुरुदेव आप इस वस्तु को मैं खोज रहा हूँ क्या आप जानते हैं? महात्मा ने कहा हाँ जानता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कि बता भी सकता हूँ। तो आप तो महात्मा, आपको तो वो वस्तु चाहिए नहीं। महात्मा जी ने कहा हाँ नहीं चाहिए, तो ठीक है मुझे वो वस्तु बता दीजिए जिसको मैं खोज रहा हूँ, ये मणि को मैं देख रहा हूँ, ये मणि मुझे मिलनी चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि मणि जहाँ खोज रहा है वहां है नहीं, मणि दूसरी जगह पर है और तू खोज दूसरी जगह पर आया। कि महाराज दिखाई मेरे को तालाब में दे रही है, तालाब में खोज रहा हूँ कि तालाब में है नहीं, वो दिखाई तालाब में देती है। तो कहा कि महाराज वो कैसे मिलेगी, कहाँ है वो वस्तु? तो कहे ठीक है ये तुम्हारे कपड़े भीगे और कपड़े बदल दो, तुम्हारे को वस्तु मिल जाएगी। महात्मा के कहने से उसने गीले कपड़े बदल दिए, सूखे कपड़े पहन लिए। महात्मा ने कहा इस पेड़ पर चढ़िए, पेड़ पर वो डाली है, उस डाली पर वो घोंसला पक्षी का, उस घोंसले में ये चीज है, उस घोंसले में ले लो जाए। वो चढ़ करके गया और वहां घोंसला था, घोंसले में वो मणि रखी थी, उस वृक्ष की शाखाएं उस पानी तालाब के पानी के ऊपर आ रही थी, उसमें मणि चमकती थी, वो तालाब के अंदर दिखाई दे रही थी। उसने जाकर के बड़े खुशी पूर्वक जाकर के तालाब में से तालाब के ऊपर जो शाखा जा रही थी वृक्ष की, उस घोंसले में जाकर देखा मणि मिल गई, उसको बड़ा खुश हुआ। अब उसने कहा कि चलो ये वृक्ष वाली मणि तो मिल गई, अब वो तालाब वाली मणि हो और मिल जाए हमको तो दो मणि मेरे पास हो जाएगी। वो वहां से उतरता है और तालाब में आकर के देखता है तो तालाब की मणि गायब। महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा मेरे को वृक्ष पर चढ़ा दिया और वृक्ष में ये नकली मणि बता दी मेरे को, और तालाब की मणि कहाँ है? तालाब की मणि मेरे को चाहिए। उसने कहा भाई तालाब में मणि नहीं थी, मैंने पहले ही कहा था मणि उस वृक्ष पर ही थी, तो वृक्ष की मणि ही तालाब में गिर गई, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि अच्छा ये मणि को लेकर के ये तालाब के ऊपर करो, तो मणि को पकड़ कर उसने तालाब में पानी के ऊपर किया तो फिर दिखाई देने लगी। देखो मणि तुम्हारे हाथ में है, तालाब में नहीं है। इसी प्रकार से पहले मणि वृक्ष पर थी, तालाब में नहीं थी, उस वृक्ष की मणि ही तालाब में चमक रही थी, जब उसको बोध हुआ कि हाँ ये मणि थी। इसी प्रकार से हम जो है वस्तु को खोजते कहीं दूसरी जगह और वस्तु कहीं दूसरी जगह पर, तो हम अपने चेतन स्वरूप को हम संसार में ढूंढते हैं। संसार नाशवान है, हर वस्तु नाशवान है, अपना चेतन स्वरूप ज्ञानवान बोधवान विचारवान है। इस वस्तु की प्राप्ति हम संसार में करना चाहते हैं, संसार में वो वस्तु नहीं है, वह वस्तु चेतन जी चेतन स्वरूप हमारा स्वयं अपने अंदर है। जो चीज हमारे अंदर है और हम अपने आप को संसार में ढूंढते हैं तो कैसे मिलेगी? संसार में वो वस्तु नहीं है, हमारे पास है, हम अपने आप को जानते नहीं, संसार को जानते हैं, संसार में खोजते हैं, अपने चेतन स्वरूप का बोध हमको नहीं हो पाता है, हम हताश हो जाते हैं। जब सत्संग में हमको ये मालूम पड़ता है कि चेतन स्वरूप हमारा स्वरूप है, हम स्वयं हैं, संसार में हमारा स्वरूप नहीं है, तो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, सत्संग के द्वारा अपने आप को जान करके अपने आप में स्थित हो जाते हैं, हम उस समय पर स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक अपने आप को हम संसार में ढूंढते हैं तो जब तक जो है हम अपने आप को नहीं जान पाते, संसार अलग है, मैं अलग हूं, मैं जनैया हूं, चेतन हूं, संसार की सब गतिविधि को जानता हूं, जनैया हूं, तो ये अपने जनैया स्वरूप को अपने अंदर न खोज करके संसार में खोजता हूं, इसलिए संसार में हमारी प्राप्ति नहीं होती। जो विवेकी जन सत्संग ज्ञान बोध विचार के द्वारा अपने जनैया अपने चेतन स्वरूप को जान लेते हैं तो अपने आप में ही वो स्थित हो जाते हैं और संसार की आसक्ति को छोड़ देते हैं,
जब तक हमारी संसार में आसक्ति है, जब तक हमारा बंधन है, जब संसार की आसक्ति छूट करके अपने आप को अपने आप में पा लेता है तो संसार की सभी मुआ शक्ति का त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाता है, उसके बंधन सभी छूट जाते हैं। इसी प्रकार से जिज्ञासुओं को चाहिए कि अपने आप को जान करके अपने आप में स्थित हो, संसार की आसक्ति का त्याग कर दे, यही मानव जीवन का परम कर्तव्य है, वह सबको कर लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।